हरियाणा में पैदा होने वाली मुच्छल बासमती यानी 1401 और 1121 के रेटों में पिछले 3 दिनों से तेजी आई है। यह रेट 7 साल बाद किसानों को मिल रहा है। इससे पहले 2014-15 में किसानों को यह भाव मिला था। ऐसे में 7 साल बाद बासमती 4000 रुपये प्रति क्विंटल के पास पहुंच गया है। बाजार में चावल का भाव पिछले सप्ताह 7000 क्विंटल था, जो शुक्रवार को 7200 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। ऐसे में 3 कृषि कानून की वापसी के बाद बासमती के रेट में उछाल आना किसानों के लिए दोहरी खुशी की बात है। सीजन की शुरुआत में पीवी 1401 के भाव 3000 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे थे, लेकिन पिछले सप्ताह में भावों में तेजी आई है। यह किस्म सिरसा, फतेहाबाद, राजस्थान के हनुमानगढ़ सहित पंजाब के कुछ जिलों में पैदा होती है। सोमवार को फतेहाबाद की टोहाना मंडी में डीबी 1401 3800 रुपये प्रति क्विंटल बिका। रविवार को यही किस्म 3771 रुपये क्विंटल बिकी थी। सोमवार को रतिया मंडी में यही किस्म 3755 रुपये क्विंटल बिकी। फतेहाबाद की टोहाना मंडी में 1121 बासमती 4090 रुपये प्रति क्विंटल बिका, जबकि इसी मंडी में 1509 बासमती 3500 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। 1121 बासमती की खेती हरियाणा, पंजाब के सभी जिलों में होती है। यह ऐसी किस्म है जो कमजोर भूमि में भी हो जाती है। रानिया मंडी में आरतियों का कहना है कि यह भाव 2014 में किसानों को मिला था, अब की बार 7 साल बाद मिला है। रानिया मंडी में बासमती बेचने आए किसानों का कहना है कि अब की बार उत्पादन कम हुआ है, खर्च पूरा हुआ, भाव में तेजी आने से कमी पूरी हो सकेगी। इस सीजन में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बासमती का औसत उत्पादन कम हुआ। अच्छी पैदावार होने पर 1 एकड़ में पीवी 1401 किस्म का उत्पादन 25 से 28 क्विंटल रहता है, परंतु अब की बारी 1 एकड़ में 18 से 20 क्विंटल उत्पादन हुआ है। सिरसा कृषि विभाग के SDO का कहना है कि बेमौसमी बारिश, गर्दन तोड़ बीमारी और तापमान के कारण उत्पादन में 10 से 15% तक कमी आई है। सिरसा में राइस मिल के संचालकों की माने तो अब की बार उत्पादन कम होने से राइस मिल संचालकों को यह लग रहा है कि माल पूरा होगा या नहीं, इसलिए मिलर्स तेज रेट पर खरीद कर रहे हैं। चावल के रेट में तेजी आई है। वहीं ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रधान विजय सेतिया का कहना है कि किसानों ने पेस्टिसाइड कम कर दिया है, जिससे चावल की डिमांड बढ़ी है, साथ ही निर्यात भी शुरू हो गया है।